तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम लोग वैलोरेंट में एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी कैसे गेन कर सकते हो। सो एक्सपीरियंस या फिर एक्सपी जो भी कहो, इसकी मदद से तुम लोग सबसे मेन चीज लेवल अप कर सकते हो, ताकि हर कोई जान सके कि तुम्हारा एक्चुअल लेवल कितना है, तुम कितने अच्छा खेलने में हो। दूसरी चीज, तुम फ्री के स्किन पा सकते हो सेकेंडरी गन्स की। जैसे कि यहाँ पर तुम किसी भी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, देन यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर तुम ये सारे एक्सपीरियंस भर भर के पूरे करते हो, देन तुम्हें लास्ट में ये वाली गन मिलती है। एंड नॉट ओनली दैट, तुम्हें यहाँ पर स्टिकर एंड स्प्रे भी मिलता है, देन मिल जाएगा तुम्हें वो कमाल का प्लेयर कार्ड जो कि इतने सारे कमाल के देखने में लगते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास स्किन से, देन तुम्हें रेडियोनाइट तो चाहिए, एंड रेडियोनाइट पाते हैं हम लोग एक्सपीरियंस गेन करके। एंड लास्टली, जितना ज्यादा एक्सपी मिलेगा उतना ज्यादा तुम्हें किंगडम क्रेडिट भी मिलेगा, जिससे तुम एजेंट्स को अनलॉक कर सकते हो। एंड फिर एक्सेसरीज में जाओ, देन वहां पर तुम्हें स्टिकर्स एंड गन बॉडीज एंड और भी बहुत चीजें मिल जाती हैं जो तुम किंगडम क्रेडिट से खरीद सकते हो। अब चलो, बहुत बात कर ली कि तुम्हें क्या मिल सकता है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सपीरियंस को कैसे पा सकते हैं। एंड सो पहला तरीका है मिशंस करना। मिशंस यहां पर दो तरीके हैं, एक डेली एंड एक वीकली। तुम इनको अपने स्क्रीन के अपर राइट में तुम देख सकते हो, इधर हवर करके यहां पर तुम्हें डेली भी लिखाता है एंड वीकली भी लिखाता है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि यार डेली करने के लिए मुझे सिंपली बस गेम्स खेलना है एंड मेरे को अपने आप डेली मिलता जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें ना एक्चुअली उस पर क्लिक करना है, देन तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें दो तीन मिशंस दे रखे होंगे एंड जब तुम इनको फिनिश करोगे तब जाकर तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है। अब ये तो डेली का हो गया। वीकली में थोड़ा सा अलग ट्विस्ट है, क्योंकि कहने का तो वीकली दे रखा है बट एक्चुअल में वीकली नहीं होता। तुम्हें यहाँ पर दो वीक मिलते हैं इनको फिनिश करने के लिए। एंड हाँ, मैं मानता हूँ मिशंस कभी कभार एक्सट्रीम भी जाते हैं, जैसे कि तुम्हें 100 हेडशॉट्स करना है, बट वो चीजें पॉसिबल होती है करना जब तुम्हें दो वीक मिलता है एंड इतना सारा एक्सपीरियंस मिलता है, लाइक 25,000 तुम्हें एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है कोई भी मिशन करने पे। एंड दूसरी बात, यहाँ पर तुम मिशंस करने के लिए अनरेटेड खेल सकते हो, कॉम्पिटिटिव खेल सकते हो, स्पाइक रश एंड स्विफ्ट प्ले भी खेल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम अगर डेथ मैच या फिर टीम डेथ मैच जैसी चीजें खेलोगे, देन तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो तुम इन चीजों को अपने एडवांटेज में खेलो। जैसे कि यहाँ पर वीकली मिशन में तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें 10 गेम्स खेलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम 10 गेम अनरेटेड ही खेलो, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगने वाला तुम्हारा। उसकी जगह तुम क्या करो, 10 स्पाइक रश खेलो, जिससे वो अराउंड 5-10 मिनट के होते हैं एंड बस तुम्हें 10 गेम खेलने दो तीन दिन में एंड तुम्हें इजिली 25,000 एक्सपी मिल जाएगा। लेकिन ये चीज सेम दूसरी जगह अप्लाई नहीं होती। जैसे कि दूसरा मिशन अगर तुम्हें दे दिया कि तुम्हें इन्वेंट्री में जाके चीजें खरीदनी है, देन यहाँ पर तो स्पाइक रश यूजलेस होगा, क्योंकि जैसे तुम एंटर करोगे वैसे तुम्हारे हाथ में गन आ जाएगी, तो तुम इन्वेंट्री खोल ही नहीं सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर तुम अनरेटेड खेलो या फिर तुम स्विफ्ट प्ले खेल सकते हो। तो चलो, अब इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हें समझाता हूँ कि तुम लोग एक्सपी कैसे पा सकते हो अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले, अगर तुम अनरेटेड या फिर कॉम्पिटिटिव खेलते हो, तो वहाँ पर हर एक राउंड तुम्हें जीतने में मिलता है 200 एक्सपी एंड वही हारोगे तो एक राउंड का मिलेगा तुम्हें 100 एक्सपी। तो उससे ये चीज क्लियर है कि जैसे तुम गेम जीत गए 13 राउंड्स का, तो तुम्हें मिलेगा 13 × 200, दैट इज 26 एक्सपी। एंड चलो मानते हैं कि तुमने डेथ मैच खेला, यहाँ पर तुम्हें मिलता है 900 एक्सपी विदाउट डूइंग एनी मिशंस एंड फॉर स्पाइक रश यू आर गेटिंग 1000 एक्सपी फॉर नॉट डूइंग एनी मिशंस। तो अगर टाइम वाइज देखा जाए तो एक कॉम्पिटेटिव खेले में तुम्हें लगेगा 40 मिनट्स एंड वो तुम्हें देगा 2600 एक्सपी। वहीं अगर तुम खेलते हो स्पाइक रश, जिसमें 5 मिनट का एक मैच होता है एंड अराउंड 4 राउंड्स होते हैं जीतने के लिए, वहां तुम्हें मिल जाता है 1000 एक्सपी। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक कॉम्पिटेटिव मैच से तुम्हारा जाता है 40 मिनट्स एंड वहीं तुम इतने टाइम पे 8 स्पाइक रश खेल सकते हो, जो कि अगेन 40 मिनट्स का होगा। तुम्हें सेम टाइम पे ही 40 मिनट्स वाले तुम्हें अनरेटेड में मिल रहा है सिर्फ 2600 एक्सपी एंड वहीं इसमें तुम्हें मिल जाएगा 8000 एक्सपी, विच इज अ लॉट। तो ये काफी अच्छा तरीका जिससे तुम एक्सपी बूस्ट कर सकते हो। एंड हाँ, तुम्हें स्विफ्ट प्ले में भी 1000 एक्सपी मिल जाएगा, बट उसमें 5 राउंड का होता है जीतने का, तो उससे बेटर तो यही स्पाइक रश ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि तुम्हें पार्टी में खेलना चाहिए लोगों के साथ। अब स्टॉप, तुम्हें ऐसा मत सोचो कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है किसी भी पर्सनल फ्रेंड को इन्वाइट करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं भी किसी क्लोज फ्रेंड वगैरह के साथ नहीं खेलता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम लोग खेल सकते हो पार्टी में विदाउट हैविंग एनी फ्रेंड्स। सो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि तुम कोई भी एक मैच खेलो, नॉर्मल सा रैंडम मैच, एंड मैच के एंड में तुम यहाँ पर जाओ एंड यहाँ से तुम हर एक बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो जो भी तुम्हें लगता है कि अच्छा खेला किसी ने। तो तुम अगर 10 लोग को भी भेजते हो तो यार उसमें से 2-3 तो पिकअप जरूर करने वाले हैं तुम्हारा, वो एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा, फिर तुम्हारे साथ ही डेफिनेटली खेलने वाले हैं। तो तुम किसी भी मैच में कितने को भी इनवाइट भेजोगे, जरूर कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा ही। एंड दूसरा तरीका हमारा प्यारा डिस्कॉर्ड सर्वर। उसमें तुम किसी भी सर्वर ज्वाइन करके मेन चैट में लिख सकते हो कि आई वांट टू प्ले टुगेदर, मेरा रैंक ये है एंड ब्ला ब्ला। एंड काफी लोग होते हैं जो अग्री करते हैं साथ में खेलने के लिए व्हेन दे आर एट सेम रैंक। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम साथ में खेलते हो तो तुम्हें क्या क्या मिलता है। तो पहला, अगर तुम दो लोग साथ में खेलते हो देन तुम्हें मिलेगा 8% एक्सपीरियंस बूस्ट ऑफ दैट मैच। वहीं तीन लोग खेलेंगे देन 12%, चार लोग खेलेंगे देन 16%, एंड अगर 5 स्टैक करोगे देन तुम्हें मिलेगा 20% एडिशनल बोनस। तो ये भी काफी अच्छे तरीके हैं जो कि राइट वालों ने बनाया कि साथ में खेलो तो तुम्हें ज्यादा एक्सपी मिलेगा। एंड एक और चीज राइट ने बनाई जो कि अगेन काफी स्मार्ट है, वो ये है कि अगर तुम डेली खेलोगे देन तुम्हें अगेन बूस्ट मिलेगा। अब मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें दिन के 10 घंटे खेलने हैं इस बोनस को पाने के लिए, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक मैच खेलना है एंड उसमें तुम्हें जीत के दिखाना है। वंस यू विन, तुम्हें इजीली 1000 एक्सपी मिल जाएगा। अब ये सुनने में तो कम लग रहा होगा, बट जब तुम 30 दिन खेलते हो सिर्फ एक मैच, देन तुम्हें इजीली 30,000 एक्सपी मिल जाता है। एंड एक बैटल पास चलता है अराउंड 2 महीना, तो तुम्हें इजीली 60,000 एक्सपी मिल गया, विच इज
अलॉट फॉर जस्ट प्लेइंग वन गेम। तो ये भी एक अच्छा तरीका है तुम्हारा एक्सपी पाने का। एंड बैटल पास से ज्यादा अगर तुम वो परचेस करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सपी बूस्ट भी मिलता है, जो कि वही खरीदते जिनके पास पैसे हैं। तो ये था मेरा पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। एंड प्लीज एक बार कमेंट में लिख दो इजी एक्सपी, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने यहाँ तक देखा है एंड एक्सपीरियंस पाना एक्चुअल में इजी है। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।